ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की रिवाइज मुरली की डेट है 11/11/1989 और मुरली की हेडलाइन है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विदाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हरेक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगमयुगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। फिर बाबा ने कहा एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। बाबा हम बच्चों को साधारण से, साधारण माना मानवता, मानवता से देवता बनाते हैं तो उसका आधार क्या है? मनुष्य मनुष्य है और मानव जीवन में भी बहुत गुण होते हैं लेकिन उससे उत्तम है दिव्य देवता जीवन। तो देवता जीवन हमारा किस आधार से बनता है? साधारणता से दिव्यता किस आधार से बनती है वो बाबा बताएंगे। बाबा ने इसमें जो ये बात कही है कि मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ जिनको मैं दिव्य बनाने का पुरुषार्थ करा रहा हूँ, कहाँ तक उन्होंने ये दिव्य स्वरूप धारण किया है, कहाँ तक उनके नैनों में दिव्यता आई, कहाँ तक उनके चेहरे पर दिव्यता आई, कहाँ तक उनके व्यवहार में दिव्यता आई। बाबा ने कहा सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर ये आवाज सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, अलौकिकता दिव्यता जीवन का विशेष आधार है ये अनुभव करेंगे। एक होता है सामान्य रूप से और एक होता है कि उसमें अलौकिकता का होना जो बाबा ने कहा। सामान्य जीवन से लोग थक जाते हैं लेकिन जैसे आप उसमें थोड़ा प्रेम डालते हैं, थोड़ा उसमें आप शांति डालते हैं, थोड़े आप उसमें विजडम डालते हैं और थोड़ी आप उसमें पवित्रता डालते हैं तो वही चीज़ जो है फर्क हो जाती है। तो ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारणता, कभी साधारण, कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारण कर्म है लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। बाबा ने कहा बाबा के जब आप मेरे बच्चे बने हो तो तुम्हारा जन्म रूहानियत से, तो जो लोग बोलते हैं करते हैं कुछ भी साधारण कर्म करते हैं
आप लोगों का कर्म करना उससे न्यारा दिखाई देना चाहिए। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं करते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है, इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल व कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। फिर बाबा ने चेकिंग बताई कि बच्चे चेकिंग में भोले हो जाते हैं, समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया। खुश रहते मैंने वेस्ट नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। बाबा इस बात पर ध्यान खिंचाते हैं कि एक है आपके पास 5 रुपए हैं, आपने उसको वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन क्या उस 5 रुपए से आपने कुछ कमाई की? अच्छा, साधारणता है उसको वैसे का वैसा रख देना, और कमाई है कि आपने उसको यूज किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है, और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि सभी स्नेह में सब कुछ भुलाकर पहुंच गए हैं। फिर बाबा मिल रहे हैं, बाबा ने कहा सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है, खाना और सोना दो चीजें ही चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि कुमारों से, कुमारों को भी आराम मिलता है, माताओं को भी आराम मिलता है, भोजन नहीं बनाना होता, कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना, सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट है तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचा तान में रहने वाले, तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले होना, वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। बाबा बता रहे कि दिव्यता की निशानी क्या है, समानता, चाहे ये है चाहे दूसरा है, परंतु सदा अपने आप को एक रस रीत से चला सकना। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा
इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ग्रुप्स से मिल रहे हैं तो हम एक कुछ लेंगे। बाबा जैसे बॉम्बे के ग्रुप से मिल रहे हैं तो बाबा ने कहा कि सदा अपने को संपन्न आत्मा हो ऐसे अनुभव करते हो ना, संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेक इन अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। तो बाबा ने कहा कि जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। नहीं, बाबा का रहस्य कि कोई भी प्रकार से थोड़ी सी भी कमी या मार्जिन नहीं रहनी चाहिए शेष। जो मार्जिन रहेगी कंप्लीट नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, तो उतने स्तर तक तो उसकी वो एम्प्टीनेस कहें, पुरानापन कहें, वो शेष होगा। फिर बाबा नेक्स्ट ग्रुप से गुजरात और पुणे के ग्रुप से मिलते हुए बाबा ने कहा, सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना, जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है दृष्टि द्वारा कम। ये बाबा कहते हैं जितना जितना महीन बुद्धि होती जाती है, जितना जितना प्योरीफाई होते जाते हैं, उतना उतना बाबा के नैनों से दृष्टि से शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सर्कमस्टांस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे। वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। तो महादान और वरदान दृष्टि द्वारा, इसको थोड़ा सा महादान यानी कहना, आंखें बोलती भी तो है ना। तो जब हम किन्हीं ज्ञान रत्नों का दान देते हैं वो महादान वाणी का है, जो कि बाबा कहते हैं उस समय फिर आप नैनों के द्वारा आंखें क्या कह रही हैं वो समझ जाते हैं। और वरदान होता है शक्ति देना। फिर बाबा नेक्स्ट ग्रुप से मिलते हुए कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ग्रुप से बाबा ने कहा, इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है, याद सहज लगती है क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं, एक बाप सर्व संबंधी है, इस स्मृति से सहज योगी बन गए। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हो तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो
तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। और बाबा ने आज हम बच्चों को जो स्लोगन दिया है मुरली में, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में इस मुरली से संबंधित या किसी भी और ज्ञान या योग की पॉइंट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप उसे हम तक पहुँचाएँ, व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।